दोस्तों अगर आप भी भारत को पाकिस्तान से बेहतर टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका की टीम के खिलाफ पहले T20 मैच में भारत की जीत पर आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों का भी बयान सामने आ चुका है और भड़कते हुए क्या बोले पाकिस्तानी दिग्गज, ये सब तो आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में कौन एक बेहतर टीम है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। श्रीलंका की टीम के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी आसानी से 65 रनों के अंतर से जीत चुकी है। इस मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार थी। रोहित टॉस हार गए लेकिन ईशान किशन और अय्यर की धाकड़ बल्लेबाजी से हम 200 रन का लक्ष्य दे पाए, जिसके आगे श्रीलंकाई टीम बुरी तरीके से ढेर हो गई रोहित की कप्तानी और भारत की शानदार गेंदबाजी के सामने। मुकाबले को तो दोस्तों भारतीय टीम जीत गई है लेकिन लगता है कि तकलीफ पड़ोसी देश को हो रही है, तभी तो पाकिस्तानी दिग्गजों ने भड़काऊ बयान दिया है। सबसे पहले इंजमाम उलक ने भारतीय टीम पर कहा, पिछले कुछ समय में मैंने देखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम केवल अपने घर में ही जीत रही है। ये कहना गलत नहीं कि भारतीय टीम अब घरेलू शेर बनकर रह गई है। हालांकि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन अपने घर में ही, और भारतीय क्रिकेट टीम का तगमा अब जब ही माना जाएगा जब वो बाहर आकर जीते और या फिर पाकिस्तान जैसी टीम से जीते। तो वहीं दोस्तों शोएब अख्तर ने भी अपने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम एक शानदार टीम है, उनकी जीत पर उनको बधाई देना चाहूंगा। खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म जरूर किया लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम को ओवरसीज दौरों पर जीत कर अपने आप को साबित करना चाहिए, ना कि छोटी मोटी एशियाई टीम को हरा कर। के साथ साथ दोस्तों अफरीदी ने भी बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम जितना मर्जी प्रयास कर ले लेकिन शायद पाकिस्तान जितनी ताकतवर T20 में नहीं हो पाएगी, और अगर वाकई में मुकाबले जीतने हैं तो श्रीलंका से नहीं पाकिस्तान से जीत कर दिखाइए। दोस्तों हर एक पाकिस्तानी दिग्गज ने भारत के खिलाफ ही बोला है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में से ज्यादा तगड़ा कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।